दोस्तों कल मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई थी कि जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन इन सभी की जो सर्विसेज हैं वो आप लोगों के लिए फ्री हो सकती हैं 3 मई 2020 तक के लिए, क्योंकि ट्राई ने यहाँ पर कुछ ऐसा इन ऑपरेटर्स को कल बोला था कि उन ऑपरेटर्स को यानी कि इन जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन इन सभी को अपनी सर्विसेज जो है यहाँ पर फ्री करनी चाहिए लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो आज यहाँ पर ट्राई के द्वारा काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। क्या कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ट्राई की तरफ से किया गया है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो फिलहाल 3 मई 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की तरफ से 17 मई तक के लिए फ्री वैलिडिटी दी गई थी, साथ में 10 रुपये का टॉक टाइम जो है एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन ने दिया था। जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए 100 मिनट की कॉलिंग और 100 SMS प्रोवाइड करे थे। आप लोग बताना कि आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन कौन सा सिम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और क्या आप लोगों को जो फ्री वैलिडिटी है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो की तरफ से वो मिली थी या नहीं मिली थी, 10 रुपये का टॉक टाइम आपको अभी तक मिला या नहीं मिला है, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राई ने यहाँ पर इन ऑपरेटर्स को बोला है कि वो सभी यूजर्स की जो है वैलिडिटी यहाँ पर एक्सटेंड कर दे 3 मई 2020 तक के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो ऑफलाइन ही रिचार्ज कराते थे, मार्केट से ऑनलाइन रिचार्ज कराना उन्हें नहीं आता है। तो कल ट्राई की तरफ से ऐसा बोला गया था, और आज ट्राई ने इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को बोला है कि आप लोग पहले ये डेटा उपलब्ध कराइए कि आपने किन किन यूजर्स को जो है फ्री वैलिडिटी बेनिफिट और जो टॉक टाइम है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत थी कि किसी को जो है अभी तक कुछ यहाँ पर नहीं मिला है, फ्री वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान नहीं मिला है, किसी तरह का टॉक टाइम यहाँ पर नहीं मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे रह गए थे जिन्हें किसी भी तरह की वैलिडिटी यहाँ पर नहीं मिली थी, तो इसलिए ट्राई ने यहाँ पर डेटा मांगा है कि आपने किन किन यूजर्स को जो यहाँ पर टॉक टाइम है और वैलिडिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए उसका डेटा आप लोग दीजिए, और जो भी लोग यहाँ पर रह गए हैं उन सभी को भी ये बेनिफिट दिए जाएं, यानी कि 3 मई 2020 तक के लिए जो भी लोग बच गए हैं या जिनका भी रिचार्ज जो है यहाँ पर खत्म हो गया है सभी को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। तो अब इन ऑपरेटर्स की तरफ से कल या परसों में आप लोगों की जो फ्री सर्विसेज है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ काफ़ी अच्छी न्यूज़ सभी यूजर्स के लिए आ रही है कि जिन भी लोगों को यहाँ पर फ्री वैलिडिटी प्लान नहीं मिला था, टॉक टाइम नहीं मिला था, तो अब ट्राई की तरफ से इन सभी ऑपरेटर्स को बोल दिया गया कि सभी यूजर्स को ये बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।